बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलाउद्दीन फराज, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, केमिकल कॉम्बिनेशन। सो व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन? ऑल द केमिकल चेंजेस आर गवर्न्ड बाय सम एम्पिरिकल लॉज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जितनी कीमियाई तब्दीलियाँ आती हैं वो किसी लॉज के उसूल और ज़वाबित से हमारे सामने आती हैं, जिसको हम केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो कीमियाई कॉम्बिनेशन जो भी होता है वो जनाब चार उसूलों के बिहाफ होता है, तो जो हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। लॉज ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास नंबर 1, नंबर 2 लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन, या जिसको लॉ ऑफ डेफिनेट या फिक्स प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। नंबर 3 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ये तमाम लॉज हमें क्या चीज़ें सिखाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरफ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फ्रेंच केमिस्ट लुवाइजर ने 1785 में पेश किया। इसके कहने के मुताबिक किसी भी कीमियाई अमल में जितना इब्तदाई वज़न डाला जाएगा तो जनाब हमें आफ्टर द रिएक्शन फाइनल वेट उस प्रोडक्ट का उतना ही मिलेगा। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इन एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू द वेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, यानी इनिशियल वेट इज इक्वल टू फाइनल वेट। तो जितना भी हम जो है केमिकल मटेरियल डालेंगे रिएक्शन से पहले तो उतना ही वेट हमें जो है आफ्टर रिएक्शन मिलेगा उस प्रोडक्ट का। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन जो है, एक एक्सपेरिमेंट लैंडॉट ने की। तो लैंडॉट ने 15 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो है इससे रिलेटेड करे, जिसका नतीजा कुछ इस तरह से सामने आया कि इसने एक एच शेप ट्यूब इस्तेमाल की, जैसे कि डायग्राम में हमें नीचे नज़र आ रही है, जिसमें दो जो है साइड थी, यानी कि दो लिम थी, लिम ए और लिम बी। तो लिम ए में उसने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रखा और लिम बी में उसने जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा। जब इसको ट्विस्ट किया गया और दोबारा से जो है हिलाने के बाद मिक्स कर दिया गया, और बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि जितना वेट रिएक्शन से पहले था उतना ही वेट जो है आफ्टर मिक्सिंग जो है वो रिएक्शन के बाद था। तो ये चीज़ साबित हो गई कि इनिशियल वेट फाइनल वेट के बराबर होता है। तो इसमें ये हमारे सामने इसकी एक इक्वेशन आती है कि जब AgNO3 और HCl को आपस में रिएक्ट कराया गया तो AgCl से रिएक्ट करके AgCl बन गया, और H ने NO3 के साथ रिएक्ट करके HNO3 नाइट्रिक एसिड बना लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट की वेरिफिकेशन। अब आते हैं हम सेकंड लॉ की तरफ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन जो है फ्रेंच केमिस्ट लुईस फ्रॉस्ट ने 1799 में पेश किया। इसके कहने के मुताबिक डिफरेंट सैंपल ऑफ सेम कंपाउंड, अगर हम मुख्तलिफ सैंपल जो है किसी भी एक कंपाउंड के कई जगह से जो है वो पकड़ें, कंटेन द सेम एलिमेंट, तो उन सब सैंपल्स में सेम एलिमेंट पाए जाएंगे कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, यानी उनका तनासुब भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से पानी का सैंपल पकड़ूं हर जगह से, तो उनके एलिमेंट हर एक सैंपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पाए जाएंगे, और उनकी प्रोपोर्शन भी सेम होगी, यानी कि हाइड्रोजन 2 की तादाद में, ऑक्सीजन 1 की तादाद में। तो यहाँ पे इसकी एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेनेशन जो दी गई है वो ये है कि जनाब अगर हम प्योर वाटर कहीं से भी लें, चाहे रेन से, रिवर से या वाटर पंप से, तो हमारे पास उसमें 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंटेन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जो है वो 1 होता है, तो वो 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो 16 जब इसका सिंप्लीफाइड रेशो निकालेंगे 2 into 2, 2 into 16, तो 1:8 के रेशो में ही हमारे पास आता है। अब हम आते हैं
अपने थर्ड लॉ की तरफ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टूडेंट जॉन डेल्टन ने पेश किया, जो एक इंग्लिश स्कूल का टीचर था, और उसने कई जो है वो थ्योरीज पेश की। तो उसमें से ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन 1803 में जॉन डेल्टन ने प्रेजेंट किया। इस स्टेटमेंट के मुताबिक व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो वो एक या एक से ज़ायद कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं। द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ द अदर, जिसमें से एक एलिमेंट का मास हमें जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये चार्ट में दिखाया गया है कि कार्बन का हमने मास जो है वो फिक्स कर दिया, कार्बन का एटॉमिक वेट जो है वो 12 होता है, तो कार्बन का मास हमने फिक्स कर दिया। ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर और मल्टीपल रेशियो, तो दूसरा जो है वो मल्टीपल रेशियो में या सिंपल रेशो में कंबाइन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे कार्बन को जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाएगा तो कार्बन या तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इसमें कार्बन का मास जो है हमने फिक्स कर दिया 12, ठीक है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, और रेशो ऑक्सीजन एक दफ़ा मोनोऑक्साइड के साथ जब मिला तो 1 है, और जब कार्बन के साथ मिला तो 2 है। तो इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन का मास कार्बन मोनोऑक्साइड की सूरत में 16 हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में 32 हो गया। द डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन 16 एंड 32 कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ कार्बन 12 आर इन रेशियो ऑफ 16:32, डेट इज 1:2। 16 ones are 16, 16 twos are 32, सो 1:2 विच इज सिंपल होल नंबर and obey law of multiple proportion. Now students, we are coming towards our last law, law of reciprocal proportion, which is presented by Richter in 1792 to 1794. In that duration, this law is presented. In this law, when two different elements separately combine with a fixed mass of third element, जब दो element आपस में मिलके किसी तीसरे एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे, द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन, जिस तनासुब से वो मिलेंगे विथ वन अनदर एक दूसरे के साथ, शेल बी आइदर इन सेम रेशो, तो वो सेम रेशो भी हो सकता है, और सम सिंपल मल्टीपल रेशो, और मल्टीपल रेशो में भी मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को लें, ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन जब सेपरेटली आपस में मिलेंगे हाइड्रोजन के साथ, तो जनाब कार्बन और हाइड्रोजन जब भी आपस में मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिखाया जा रहा है, तो लाजमी मीथेन बनेगा, ठीक है। अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में कार्बन का एटॉमिक वेट 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 4 हैं, तो 1 4 ज़ा 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पर सिंपल रेशो 1:3 आ गया। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो वाटर बनता है, तो यहाँ पे वाटर H2O होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, नंबर ऑफ एटम 2, तो 1 2 ज़ा 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो 16 1 ज़ा 16, सिंप्लीफाइड रेशो निकालेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। इसी तरह डाउन साइड अगर हम देखें कि कार्बन जब भी ऑक्सीजन से मिलेगा, तो कार्बन जब भी ऑक्सीजन से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो फजा में पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है और ऑक्सीजन का 16, तो दो नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के, तो 16 2 ज़ा 32, जब इसका सिंप्लीफाइड रेशो निकालेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32। तो यहाँ से ये चीज़ साबित हुई, अगर हम इस साइड हमारे पास कार्बन जो है, ठीक है, अगर हम कार्बन को देखें तो हमारे पास कार्बन 3 ग्राम हो गया दोनों साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड और बॉटम साइड पे। हाइड्रोजन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमारे पास जो है वो 1:1 दे रहा है, और अगर हम जो है राइट साइड और बॉटम साइड पे देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन दोनों तरफ जो है वो 8:1 दे रही है, तो इट मीन्स ऑक्सीजन 8 ग्राम है, अपर साइड पे हाइड्रोजन 1 ग्राम है, और कार्बन जो है वो 3 ग्राम है, जो हमने ट्राइंगल के अंदर ये तमाम वैल्यूज़ लिखी हैं।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।